नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निगेला सटाइवा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहां काम आती है, किन रोगों और किन लक्षणों में दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को क्लोंजी से बनाया जाता है। क्लोंजी लंबे टाइम से इंडिया में यूज़ की जा रही है, आयुर्वेदा में यूज़ की जाती है, काफ़ी सारे इसके फायदे होते हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस दवाई को हम किन रोगों किन लक्षणों में दे सकते हैं। इस दवाई को क्यू पावर यानी मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इस दवाई को हम दे सकते हैं अस्थमा के केस में, सोर थ्रोट में, या फिर ओबेसिटी में यानी मोटापे में इसे हम दे सकते हैं। ब्रोंकाइटिस, कफ और फीवर में ये दवाई यूज़ की जाती है। इसके और फायदे और लक्षणों की बात करें, रेस्पिरेटरी कंडीशन में पेशेंट को देखा जाता है कि लंबे टाइम से अगर अस्थमा के केस आ रहे हैं, अस्थमा बार बार पेशेंट को हो रहा है, क्रोनिक अस्थमा है, एक्यूट अस्थमा है, तो ऐसे केस में मदर टिंचर फॉर्म इसकी यूज़ करें तो कुछ टाइम के बाद अस्थमा में काफ़ी अच्छे सुधार देखे जा सकते हैं। इस दवाई के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अगर आपका डाइजेशन खराब रहता है, आपको भूख सही से नहीं लगती है, लीवर से संबंधित रोग हैं, तो ये दवाई आपके लिए रामबाण का काम करती है। अगर लीवर फैटी है, फैटी लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, तो ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, भूख बढ़ाने में मददगार रहती है। डाइजेशन से संबंधित कोई भी परेशानी है, इनडाइजेशन की शिकायत है, गैस ब्लोटिंग की शिकायत है, तो उसमें भी असरदार रहती है, लीवर को हेल्दी बनाए रखने में मददगार रहती है, इन्फेक्शन से बचाती है। दवाई के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ एंटी कैंसर भी होती हैं और एंटी डायबिटिक के तौर पर भी ये दवाई यूज़ की जाती है। यानी मधुमेह के ऐसे केस जिनमें पेशेंट को शुगर लेवल बढ़ी हुई आती है, पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल बढ़ी आती है, नॉर्मल से ज़्यादा आती है, तो ये दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है और कैंसर के काफ़ी सारे मरीजों में इस दवाई को हम देते हैं। दवाई के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं। यानी अगर पेशेंट को इन्फ्लामेशन आए, शरीर में कहीं भी इंटरनल पार्ट्स में या फिर एक्सटर्नल बॉडी में पेशेंट को देखा जाता है कि कहीं जगह इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है, तो ये दवाई देने से सूजन को कम करने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे जाते हैं। दवाई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। हमें फ्री रेडिकल से दवाई बचाती है। यानी हमारे अंदर से जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो पैदा हो जाते हैं, गंदगी जमा हो जाती है, उसको बाहर निकालने में मददगार रहती है। दोस्तों, इस दवाई को हम रियोमेटिज में भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको गठिया बाय का दर्द रहता है, ऐसे पेशेंट में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा हम इसे सिर दर्द में दे सकते हैं, कफ में दे सकते हैं, जिन लोगों को लंबे टाइम से सिर दर्द की शिकायत रहती है, इसे हम सिर दर्द में दे सकते हैं। पेशेंट को ये दवाई फीवर में दी जा सकती है, कफ में दी जा सकती है। जिन लोगों में कोल्ड एंड कफ की शिकायत हो, साथ में सिर दर्द देखने को मिलता हो, खांसी बार बार होती हो, ब्रोंकाइटिस भी अगर पेशेंट को हो गया हो, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे जाते हैं। बुखार में इसे हम दे सकते हैं। बुखार में देने से टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, पेशेंट की वीकनेस को दवाई दूर करती है। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है और आप इस दवाई को लेना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, इस दवाई की जो कॉमन डोज होती है, अगर आप इसे मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, तो 10-15 ड्रॉप्स यानी 10-15 बूंदे 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3-4 बार ले लें। एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिले। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।